बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू बराए जमात सोम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले हम एक नज़र डालते हैं कि आज के सबक में हम क्या क्या सीखेंगे। तो मज़मून का तारुफ़ और उसकी तफहीम, बुलंदखानी, ख़ास अल्फाज, दुरुस्त लफ्ज़ की शनाख्त, मश्की सवालात, अरकान मिलाइए, अल्फाज मुतजाद और जुमले बनाइए। तो मज़मून का तारुफ़ और इसकी तफहीम, यानी इसको हम कैसे समझेंगे, उसके लिए आपके सामने कुछ सवालात हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन कौन थे, वो कहाँ बैठे थे, उन्होंने लोगों को कमीज बनाने के लिए कितना कपड़ा दिया था, यानी हर शख्स को कमीज, आप समझते ही हैं जो हमारे लिबास का एक हिस्सा होता है जो हम ऊपर वाले बदन पर पहनते हैं, कुर्ता। तो लोगों में कपड़ा तकसीम किया गया था ताकि लोग अपनी कमीज बना लें। ये कपड़ा कितना था? हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने जो कमीज पहनी हुई थी वो कितनी चादरों से बनी थी? एक आदमी ने उठकर उनसे क्या कहा? लोगों ने सवाल करने वाले आदमी को किस बात से रोका? हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने सवाल का जवाब देने के लिए किसे बुलाया? हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु की कमीज के लिए दूसरी चादर कहाँ से आई थी? बेटे ने क्या जवाब दिया? तो ये वो सवालात हैं जिनकी रोशनी में आप जब इस सबक को पढ़ेंगे तो आप पूरा सबक बसहूलत समझ लेंगे। और सबक को समझ लेना और सबक को समझा देना, इसी को हमने तफहीम का नाम दिया है। तो अब हम बुलंदखानी करते हैं। सबक का नाम है दूसरी चादर। इसके कुछ ख़ास अल्फाज हैं। खलीफा, खलीफा मुसलमानों का हाकिम, मुसलमानों का अमीर, मुसलमानों का हुक्मरान। कमीज पहनने का एक लिबास, और हाकिम का मतलब है बादशाह या हुक्मरान, और पूछ गछ का मतलब है सवालात करना, सवालात, तहकीक, तफ्तीश। अब हम इसकी बुलंदखानी शुरू करते हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु मुसलमानों के खलीफा थे, यानी अमीर थे, हुक्मरान थे। एक दिन वो बहुत से लोगों के साथ मस्जिद में बैठे थे। एक आदमी खड़ा होकर बोला, हज़रत उमर, आपने हम सबको कमीज बनवाने के लिए एक चादर के बराबर कपड़ा दिया था, लेकिन जो कमीज आपने पहनी है वो दो चादरों के बराबर कपड़े से बनी है। क्या आपने अपने लिए हमसे ज़्यादा कपड़ा रख लिया था? कुछ लोगों ने उस आदमी को कहा कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु हमारे हाकिम हैं, तुम उनसे ऐसे पूछ गछ मत करो, यानी इस तरह के सवालात उनसे मत करो, तहकीक मत करो, तफ्तीश ना करो उनसे, अदब के ख़िलाफ़ है ये बात। लेकिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने उसके सवाल का जवाब देने के लिए अपने बेटे को बुलाया।
उनके बेटे ने कहा, मेरे वालिद के पास सिर्फ एक चादर थी, मैंने अपने हिस्से की चादर उनको दे दी थी। इस तरह उन्होंने अपने लिए ये नई कमीज बनवाई है। तो सबक मुकम्मल हो गया। आप क्या समझे इस सबक से कि सब लोगों को कमीज बनाने के लिए एक एक चादर दी गई थी, लेकिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह उनकी कमीज दो चादरों से बन सकती थी। उसकी वजह यह थी कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह का कद लंबा था, वो तवीरुल कामत थे, बुलंद कद के आदमी थे, और एक कमीज से, एक चादर से उनके लिए कमीज मुकम्मल नहीं हो सकती थी। तो उनके बेटे ने जब देखा कि अब्बा जी ने खुद सिर्फ एक ही चादर ली है, जिस तरह सब मुसलमानों को एक चादर मिली है, अब्बा जी ने भी अपने लिए एक ही चादर ली है, लेकिन इस चादर से उनके लिए कुर्ता नहीं बन पाएगा, तो बेटे ने अपनी चादर भी अब्बा जी को दे दी। यानी हज़रत उमर के बेटे ने अपनी चादर अपने अब्बू को दे दी, तो हज़रत उमर की कमीज भी बन गई। अब हम आगे चलते हैं, मश्क है, और पहली चीज़ जो आपसे पूछी गई है वो ये है कि दुरुस्त लफ्ज़ के गिर्द दायरा लगाएं। तो ये काम अपनी किताब में ही आप करेंगे। अल्फाज दिए गए हैं, हर एक लफ्ज़ के साथ जो दुरुस्त है, दो ऐसे लफ्ज़ भी लिखे गए हैं जिनका तलफ़ुज दुरुस्त नहीं है। तो तीन अल्फाज एक कतार में हैं और उनमें से एक लफ्ज़ दुरुस्त है जिसके गिर्द आपने निशान लगाना है। इससे आपको दो चीज़ें हासिल होंगी, एक तो आपका इमला ठीक हो जाएगा, दूसरा आपका तलफ़ुज भी ठीक होगा। सबसे पहली लाइन में देखिए, आदमी, आदमी और आदमी, तो सही जो लफ्ज़ है वो है आदमी। आगे देखिए, कमीस स्वाद के साथ, और फिर कमीस सीन के साथ, और आखिर में है कमीज़, शुरू में काफ और आखिर में ज़ाद। अब ये लफ्ज़ चूँकि आप पढ़ चुके हैं, तो इसमें से आप ख़ुद देखिए, किताब में इस सबक में जाकर तलाश कीजिए कि सही तलफ़ुज़ कौन सा है। अब आगे देखिए, एक और लफ्ज़ है, एक है हाकिम, जो दो चश्मी है से शुरू हो रहा है, और हम शायद आपको पहले बता चुके हैं कि उर्दू में कोई भी लफ्ज़ दो आँखों वाली हा से, यानी दो चश्मी है से शुरू नहीं होता। तो हाकिम, हाकिम और हाकिम मोटे काफ के साथ, तो सही लफ्ज़ के गर्द निशान लगाइए आप गिर्द। हिस्से स्वाद के साथ, हिस्से छोटी है के साथ, और हिस्से सीन के साथ, ये तीन लफ्ज़ बोले गए, इनमें से जो ठीक है वो आप तलाश कीजिए और निशान लगाइए। देखिए, बोलाया, बालाया और बुलाया, तीन लफ्ज़ हैं, और एक ही इनमें से ठीक है, जाहिर सी बात है, और जो ठीक है उसमें वाव नहीं है, शुरू में दूसरे लफ्ज़ उसका, लफ्ज़ का दूसरा हर्फ जो है वो वाव नहीं है। तो आराम से इसको आप हल कर सकते हैं। सवाल नंबर तीन पे आइए, दर्ज ज़ेल सवालात के जवाब दें, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कौन थे। तो ये सवाल आपसे पहले भी किया जा चुका है, इसका जवाब भी आपको बताया जा चुका है, और जब ये आपका सबक शुरू होता है तो यहाँ जवाब मौजूद है, देखिए और यहाँ किताब में ही लिख लीजिए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की कमीज़ कितने चादरों के बराबर कपड़े से बनी थी, यानी आपकी कमीज़ में कितनी चादरें लगी थी। तो अब मैं आपको बता चुका हूँ थोड़ी देर पहले, लिहाजा अब आपने ये सवाल भी खुद ही हल करना है। और नंबर तीन, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को किसने अपने हिस्से की चादर दी थी। लीजिए जनाब, अब हम आगे चलते हैं, अगले सफ़े पे क्या है, नंबर चार है ये सवाल, और सवाल ये है कि अरकान मिलाएं। अरकान, एक रुकन को आप एक आवाज़ समझ लें, कि जो लफ्ज़ का एक रुकन है वो उसकी एक आवाज़ है। तो अब देखिए, खा, फिर ली और फिर फा, तीन रुकन हो गए,
यानी ये तीन आवाज़ें हो गई, जब हम इन तीनों आवाज़ों को जोड़ेंगे तो एक मुकम्मल लफ्ज़ बन जाएगा, खा फिर ली और उसके बाद फा, तीनों को मिलाया तो लफ्ज़ बन गया खलीफा। बस इसी तरह आप बाकी अल्फाज भी बनाइए। हाकिम के अंदर दो अरकान हैं, इनको मिलाएंगे तो एक लफ्ज़ बन जाएगा। बनवाई में तीन अरकान हैं, वा और लिद, वालिद के अंदर दो अरकान हैं और चादर में भी दो अरकान हैं। सवाल नंबर पाँच है, मंदरजा ज़ेर अल्फाज को उनके मुतजाद से मिलाएं, यानी उनकी ज़िद से, उनके उलट लफ्ज़ से। जैसे पहला लफ्ज़ है सवाल, तो सवाल का क्या होता है, जवाब होता है जो उसका उलट होता है। इसी तरह दिन का जो उलट है, जो उसकी ज़िद है, वो है रात, और बाकी अब आप खुद ही कर लीजिए। आखिरी जो आपको काम दिया गया है इस सबक में वो है जुमले बनाएं। तो सवाल, मस्जिद, चादर, कपड़ा और कमीज, ये पांच अल्फाज हैं। हर लफ्ज़ पर आपको जुमला बनाना है। जुमला बनाने का मतलब ये होता है कि आप ऐसा जुमला बनाएं कि वो लफ्ज़ बिल्कुल वाज़े तौर पर निखर कर सामने आ जाए और पढ़ने वाला जुमला देख के समझ जाए कि बच्चे ने, आपने जो ये जुमला बनाया है तो इस लफ्ज़ का मतलब आपको आता है। जैसे मस्जिद का मतलब आपको मालूम है कि मस्जिद किसे कहते हैं, तो जब आप जुमला बनाएंगे तो बिल्कुल ठीक ठीक जुमला बनाएं। और हर जुमला कोशिश कीजिए कि दूसरे से कुछ थोड़ा सा मुख्तलिफ हो, और जितना अच्छा जुमला बनाने की आप कोशिश करेंगे, आपकी उर्दू उतनी ज़्यादा अच्छी होगी, आपकी उर्दू उतनी ज़्यादा अच्छी होगी। और घर का काम अब देखते हैं, घर का काम आपके पास क्या है, तो जुमले आप अपनी कॉपी में बना लीजिए और जो बाकी मशकें हैं वो आपकी किताब में हल हो जाएंगी। घर के काम में एक काम यह है कि जो बुलंदखानी की गई है, आप इसको दोबारा तवज्जो से सुनिए और ख़ुद भी उसी तरीके से पढ़िए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।